कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। दिवाली के अगले दिन पड़ने वाले त्यौहार पर लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। कथा है कि एक बार कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी माँ से इंद्र की पूजा करने का राज जाना चाहा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें बताया गया कि इंद्र भगवान वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होती है और अन्न से उनकी गायों का चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि हम सभी को गोवर्धन की पूजा करना चाहिए क्योंकि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं जहाँ से उन्हें अन्न मिलता है। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा कर दी। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को भगवान श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा करेंगे और इस तरह से अन्नकूट पर्व मनाएंगे। तब से यही पर्व गोवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। ये गोवर्धन महाराज हैं, इनकी जो महिमा का श्री कृष्ण रूप है, इनका एक रूप से पूजन किया और दूसरे रूप से रहे पूजाए, सहस्त्र भुजा फैला के तत् माँ कन मांग मांग के कहे माति यशोदा मैया कन्हैया कराया। राजा इंद्र ने कोप किया, 7 दिन मूसाधार बरसाया तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में छुन्नी उंगली पे पर्वत उठाया तो जो हमें उसके बाद में सबको इकट्ठे करके गिरिराज जी के नीचे छायरी बना करके ठाकुर जी ने बिठाल दिए। महाभारत काल से जुड़ा हुआ जो किस्सा है वो ये बताता है कि श्री कृष्ण ने इस पूजा की शुरुआत कराई थी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस तिथि पर गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष रूप से की जाती है जिसे गिरिराज जी भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ये पर्वत मथुरा के पास स्थित है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था, तभी से भक्तों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जाती है। इस पर्वत को एक ऋषि ने तिल तिल कर घटने का श्राप दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है वो कथा। दोस्तों कथा के अनुसार पुराने समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। इसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि वो काशी में रहते हैं और वो अब इस गोवर्धन पर्वत को काशी ले जाकर वहीं इसकी पूजा करना चाहते हैं। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन एक शर्त पर, आप मुझे जहां भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन की यह बात मान ली और गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि वो अपने तपोबल से हथेली पर रखकर गोवर्धन पर्वत को काशी ले जाएंगे। रास्ते में ब्रजभूमि आई, उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और किशोराकाल की बहुत सारी लीलाएं कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं, तो अगर वो यहीं रह जाए तो गोवर्धन पर्वत जो है कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं को देख सकेगा। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे भारी रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया और पुलत्स्य ऋषि के हाथों में ज़्यादा भार हो जाने की वजह से उन्हें विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। बस ऋषि से ये भूल हो गई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत से जो वादा किया था वो हार गए। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत जब वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने उनको वो शर्त याद दिलाई जिसके अनुसार ऋषि हार चुके थे। उन्होंने कहा कि आप जहां मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, ये शर्त थी और आप हार चुके हैं। पुलत्स्य ऋषि गुस्से में उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पृथ्वी में समाहित हो जाओगे और कलयुग के अंत तक ये धरती में पूरी तरह से समा जाओगे। दूसरी जो चीज है वो यह है कि त्योहारों पर भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान को 56 व्यंजनों का भोग क्यों लगाया जाता है और इन 56 व्यंजनों में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं।
तो आज हम उस पर भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छप्पन भोग में शामिल होती हैं। छप्पन भोग से जुड़ी हुई कहानी नंबर एक। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और तब जाकर उन्हें 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है कि तभी से छप्पन भोग परंपरा की शुरुआत हुई। कहानी नंबर दो। गौलोक में श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान विराजते हैं, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग में कौन कौन से स्वाद शामिल होते हैं? इसमें कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन, मीठा, ये 6 रस और स्वाद इसमें शामिल होते हैं। इन 6 रसों के मेल से मैक्सिमम यानी अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब वो सभी प्रकार का खाना है जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। 56 व्यंजन के जो नाम हैं वो इस तरह से हैं: भक्त, सूप, प्रलेह, सदिका, दधि साकजा, शिखरणी, अवलेह, बालिका, इक्षुखेरणी, त्रिकोण, बटक, मधुशीर्षक, फेंडिका, परिशाश्च, सतपत्र, सधिद्रक, चक्राम, चिल्डिका, सुधांकुडलिका, घृतपूर, वायुमूर, चंद्रकला, दधि, स्थूली, कर्पूर नाड़ी, खंडमंडल, गोधूम, परिखा, सुफलाड्या, दधिपरु, मोदक, शाक, शोधान, मंडका, पायस, दधि, गोघृत, हयंगपीनम, मंडूरी, कूपिका, परपट, शक्तिका, लसिका, सुवत, संघाय, सुफला, सीता, फल, तांबूल, मोहनभोग, लवण, कसाय, मधुर, तिक्त, कटु और अम्ल। तो ये 56 प्रकार के भोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें भारतखबर.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तमाम देश विदेश और धर्म से रिलेटेड अन्य खबरों के लिए आप हमें वहाँ विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।